सुखस्य दुखस्य को अपि दाता, परो ददाति इति कुबुद्धि रेषा, अहम करोमि इति वृथा अभिमान है, स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोके है। दूसरा मुझे सुख या दुख दे सकता है, या मैं किसी दूसरे को सुख दुख दे सकता हूँ, या मैं किसी को सुख दे रहा हूँ, ये कुबुद्धि है या वृथा अभिमान है। ये संसार अपने ही कर्मों के सूत्रों से गुथा हुआ है, बंधा हुआ है। आज मनुष्य का उठना बैठना, सोना खाना पीना सब कुछ अव्यवस्थित और अप्राकृतिक हो गया है। वह एक तरह के वर्चुअल और अननेचुरल लाइफ को लीड कर रहा है। मित्रों, आज हम बात करेंगे मनुष्य की दैनिक दिनचर्या की। महर्षि वाग्भट ने यहाँ तक कहा है कि अगर मनुष्य का व्यवस्थित जीवन हो, उसकी दैन दिनचर्या अच्छी हो, तो उसे औषधियों को लेने की नौबत ही नहीं आएगी। आज हम बात करेंगे डेली रिजिम्स, जो दैन दिनचर्या है, और एक होती है सीजनल रिजिम्स, ऋतुचर्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हर स्थान की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप वहाँ की दिनचर्या तय की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्य उदय से 2.5 घंटे पूर्व से लेकर के सूर्य उदय तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस वक्त उठने वाले व्यक्ति के श्वसन तंत्र की कोई भी बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो हवा बिल्कुल स्वच्छ और स्वच्छंद होगी, दूसरा हमारे शरीर में सभी ऑर्गन्स के लिए एक टाइम तय है। तो हमारे लंग्स का और बड़ी आंत का इस वक्त का समय होता है, इसलिए उठते ही फिर हमें मल त्याग के लिए जाना पड़ता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये महर्षि वाग्भट ने दिनचर्या का, डेली रिजिम का पहला सूत्र बताया है। इसके तुरंत बाद उठते ही उषापान करना। उषापान का मतलब होता है कि रूम टेम्परेचर या उससे थोड़ा अधिक गुनगुना पानी पेट भरकर आप इसे पी सकते हो, क्योंकि रात भर से 6-7-8 घंटे की गहरी नींद के बाद में आपके पेट में कुछ अम्ल और कुछ लवण बिना कुल्ला किए हमें यह पानी पीना है, ताकि हमारे मुंह में बनी हुई जो लार है वो भी पेट में पहुंच जाती है, क्योंकि लार बहुत बड़ा एल्केलाइन तत्व होता है। इसके बाद में हम पेट भरकर जब गुनगुना पानी पी लेते हैं, थोड़ी चहलकदमी करते हैं, तो मल त्याग की इच्छा होती है। मनुष्य को मल त्याग हमेशा ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहां वायु का संचरण हो, ताकि दूषित वायु का निकास हो सके और उसे उस दौरान स्वच्छ वायु मिल सके। वैसे मल त्याग उकड़ू बैठकर करना सर्वाधिक अच्छा होता है, लेकिन आजकल के वेस्टर्न स्टाइल के टॉयलेट्स और इन सब में जो भी समस्याएं आती हैं उससे आप सभी लोग परिचित हैं, तो बेहतर कोशिश यही रहे कि हमें ऐसे स्थान पर मल त्याग करना चाहिए। मित्रों, इसके बाद में हमें दंत धावन या दंत मंजन करना है। दंत मंजन, जैसा आयुर्वेद में बताया गया है, हमें नीम, बबूल या अन्य ही किसी इसी तरह के वृक्ष की दातुन लेकर उससे भी कर सकते हैं, अन्यथा गाय के गोमय से बने हुए मंजन के द्वारा अपनी उंगली पर लगाकर और दांतों के मसूड़ों को अच्छी प्रकार से हमें रगड़ना होता है। बड़ी अजीब बात है, दांत की हड्डी शरीर की सर्वाधिक मजबूत हड्डी होती है, इसे किसी भी तरह के पेस्ट से मांजने की जरूरत नहीं है। हमें हमेशा मसूड़ों की मालिश और मसूड़ों को ही स्वस्थ रखना है, क्योंकि दांत तो उसके ऊपर का हिस्सा होता है। मनुष्य के मरणोपरांत भी दांत के अवशेष इकट्ठे किए जाते हैं, इसलिए दांत को मांजना सर्वथा मूर्खतापूर्ण है।
आज के बाज़ार में उपलब्ध जो टूथपेस्ट हैं वो किस तरह के हैं, उनमें सोडियम बेंजोएट, सोडियम लॉरेल सल्फेट, उसमें कई तरह के रासायनिक द्रव्य, सैक्रीन, प्रिजर्वेटर्स और इसके अलावा फ्लोराइड, सुगंध के लिए कुछ तरह के एसेंस, ये सब मिलाकर बनाया जाता है। जिस टूथपेस्ट को आप खा नहीं सकते, उसे आप मुंह में रगड़ कैसे सकते हो? हमारे गौ में से बने हुए दंत मंजन को आप ग्रहण भी कर सकते हो। बहुत बार ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब पेट दर्द वगैरह होता है तो हम गौ में से बने हुए मंजन को पानी के साथ ही हमारे पेशेंट को दे देते हैं, उससे उसका पेट दर्द भी ठीक हो सकता है। इस तरह के टूथपेस्ट को मुंह में बार बार रगड़ने से मुंह में चोट लगती है, खून आ जाता है और इन केमिकलों की उपस्थिति में वो जहरीले केमिकल हमारे मुंह में भविष्य में कैंसर की संभावनाएं पैदा करते हैं। इस तरह के टूथपेस्ट से हमें बचना चाहिए। हमें मसूड़ों की मालिश सदैव करनी चाहिए, जो सरसों या अन्य किसी तेल के साथ नमक मिलाकर भी की जा सकती है। इस तरह हमें प्राकृतिक जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद में स्नान का समय आता है। हमें स्नान करने के लिए सदैव नॉर्मल टेम्परेचर का पानी का ही उपयोग करना चाहिए, न तो अति ठंडा और न ही गर्म। स्नान करने का मतलब शरीर को साफ करना ही नहीं है। 24 घंटे जब हमारा शरीर काम करता है तो ये यंत्र, जो शरीर रूपी यंत्र है, ये गर्म हो जाता है। इसे ठंडा करने के लिए भी हमें पानी से स्नान करने की ज़रूरत रहती है। सर्वप्रथम हमें पानी को अपने पैर के तलवों में और हाथ की हथेलियों से छुआना चाहिए, क्योंकि आजकल बाथरूम में घुसते ही हम शावर ऑन कर देते हैं और सीधा सिर पर पानी डालते हैं। मित्रों, आजकल आपने सुना होगा कि बाथरूम में हार्ट अटैक हो गया या ब्रेन हेमरेज हो गया। इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? जब हम पानी को सबसे पहले अपने तलवों पे या हथेली पे डालते हैं तो यहाँ हमारे शरीर के स्नायु तंत्र हैं जो सेंसेसर का काम करते हैं। ये सेंसर्स जो हैं, ये शरीर को ये बताते हैं कि पानी का तापक्रम ये है और इसे शरीर पर किस तरह से आपको प्रयुक्त करना है। लेकिन हम सीधे शावर के नीचे घुस जाते हैं और ठंडा या अधिक गर्म पानी जैसे ही शरीर पर गिरता है, शरीर उसके लिए तैयार नहीं होता है और शरीर में हार्ट के, दिल के स्पंदन बढ़ जाते हैं और हमें हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज जैसी समस्याएं होती हैं। जरा सी मूर्खतापूर्ण या जरा सी लापरवाही से बड़ी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमें पानी को, सामान्य तापक्रम के पानी को सर्वप्रथम पगथलियों में और तलवों पर डालकर और शरीर की त्वचा को अच्छे से मलना चाहिए। इस तरह से हमारा ये स्नान का क्रम पूरा होता है। इसके बाद में हमें अपने कोई भी ध्यान या परमात्मा का अनुग्रह प्रकट करने के लिए हमारी दैनिक दिनचर्या में जो भी पूजा पाठ, स्नान, ध्यान या कोई भी इस तरह का आध्यात्मिक प्रयोजन जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके उपरांत हमें अल्पाहार या जो सुबह का नाश्ता जिसे बोला जाता है वो लेना है। सुबह के नाश्ते में अंकुरित अनाज, छाछ, दही या मक्खन वगैरह मिश्री के साथ, इस तरह की चीज़ें सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं। इसके बाद में 1-1.5-2 घंटे का समय गुजर जाने के पश्चात हमें संपूर्ण आहार लेना चाहिए, जिसे हम प्रातःकालीन भोजन कह सकते हैं। सुबह के भोजन में एक तो समय का बड़ा महत्व है। 10 बजे से पूर्व हमें सुबह का भोजन कर लेना चाहिए। खास तौर से डायबिटिक पेशेंट को, जो मधुमेह का रोगी है, उसमें शुगर लेवल डाउन होने लग जाता है, तो उसके लिए समय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। गेहूं जैसे अनाजों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि हमारे इस देश की प्रकृति के अनुरूप गेहूं नहीं है। गेहूं मेक्सिको वगैरह से आया हुआ अनाज है, जिसे कालांतर में यहाँ फिर हमारे किसानों ने तैयार किया है। इसके अलावा
हम दूसरे अन्य कोई भी अनाज ले सकते हैं, बाजरा है, किन्वा है, मक्का है, जो सर्वाधिक उपयुक्त है, और भी बहुत सारे अनाज अपने अपने स्थान और भौगोलिक स्थिति के अनुसार हम ग्रहण कर सकते हैं। हमें खाद्य तेल के रूप में घानी का या जो फिल्टर ऑयल है ज़्यादा से ज़्यादा वो ले सकते हैं। रिफाइंड तेलों से हमें बचना चाहिए, हमें नमक, टाटा सॉल्ट वगैरह का त्याग कर देना चाहिए। इसके अलावा हमें सेंधा और काला नमक जो नेचुरल और प्राकृतिक है उसी का उपयोग करना चाहिए। सफ़ेद चीनी की जगह गुड़ या शक्कर का उपयोग किया जा सकता है। हमारे खाना बनाने के जो बर्तन हैं उनमें एल्यूमिनियम का प्रयोग सर्वाधिक रूप से अनुचित है, क्योंकि एल्यूमिनियम में बना हुआ कोई भी आहार है वो जहरीला हो जाता है। और प्रेशर कुकर को भी हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि कोई भी भोजन पकते समय जो वायु और प्रकाश के संपर्क में नहीं आता है वो खाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस तरह हमें कुछ सावधानियां रखकर हमारा भोजन करना चाहिए। इसके बाद में अपने दैनिक कार्यों में अपन हमेशा की तरह 5-6-7 घंटे व्यस्त रहने के बाद में शाम के अल्पाहार में भुने हुए अनाज ले सकते हैं, कुछ एल्केनाइन फ्रूट्स जैसे पपीता और इस तरह के फलों का उपयोग किया जा सकता है। और गरम कुछ पीने की इच्छा हो तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, सौंठ वगैरह से तैयार किया गया काढ़ा, जिसमें थोड़े गुड़ का उपयोग करके गर्म पेय के रूप में आप उसे उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में सायंकालीन या रात्रि भोजन का समय, रात्रि का भोजन मित्रों हमें सूर्यास्त के तुरंत पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद शरीर में ऊर्जा का स्तर घटने लगता है। शरीर में जब ऊर्जा घटती है, गर्मी घटती है, तो हमारे भोजन को पचाने के लिए हमें उपयुक्त ऊर्जा का अभाव रहता है। इसलिए रात्रि भोजन का सूर्यास्त से संबंध होना चाहिए, सूर्यास्त से बहुत ज़्यादा लेट रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए। भोजन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं में हमें जैसे पहले बताया गया उन सब बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद में हमें थोड़ी चहलकदमी की जा सकती है, क्योंकि सायंकालीन भोजन के बाद में थोड़ा समय ऐसा मिलता है जिसमें आप चहलकदमी कर सकते हैं, कुछ पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। और इसके बाद में रात्रि सोने के पहले हमें गर्म दूध, गर्म गाय के दूध में 2 चम्मच गाय का घी और हल्दी का प्रयोग किया जा सकता है। साथ में चाहें तो चमनप्राश वगैरह इस तरह की औषधीय मिश्रण का प्रयोग किया जा सकता है। वो अगर आप सोने के पूर्व लेते हैं तो शरीर में आपके वायु वात का बैलेंस रहता है, और बिस्तर पर लेटने के बाद में आपको नासिका, जो नाक में 2-2 बूंद घृत का डालना और नाभि में 3-4 बूंद घृत डाला जा सकता है। इससे आपके शरीर का वात बैलेंस रहेगा और आपको अच्छी नींद आएगी। मित्रों, सोना एक संपूर्ण शयन क्रिया, एक संपूर्ण प्रक्रिया है जिसे अपन पृथक में समझेंगे, क्योंकि जैसी कहावत है कि हजारों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को भोजन करना आता है और लाखों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को शयन करना आता है, तो इसलिए इस पर पृथक से बात करेंगे। लेकिन 9 बजे के बाद में सोने को हमेशा टालना चाहिए, 9 बजे से पूर्व ही सोने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में एक त्रिऊष्मक यंत्र होता है जो दिन भर अपने शरीर का जो तापक्रम बढ़ गया है उसे पुनः बैलेंस करने के लिए, या हमारी थकान की वजह से हम निढाल हो रहे हैं, शरीर का तापक्रम कम हो गया है तो इसे वापस से वो बढ़ाता है। इस तरह से त्रिऊष्मक के हिसाब से हमें रात्रि 9 बजे तक सो जाना चाहिए, ताकि पुनः हम ऊर्जावान होकर दूसरे दिन सुबह उठ सकें। मित्रों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। ओम शांति शांति शांति।